तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ बाजार में चलने वाले सभी आईपीओस में किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। आज 24 मई 2024 के हिसाब से सभी आईपीओस के ग्रेमा के प्रीमियम में लिस्टिंग इन के बारे में डिस्कशन करेंगे और इनमें से किस कंपनी के आईपीओ में मैं अप्लाई करने वाला हूं या आपको अप्लाई करना चाहिए वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखते रहना। सबसे पहले आईपीओ में सब्सक्रिप्शन का डेटा देख लेते हैं। तो सबसे पहली कंपनी आ जाती है ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन। इस कंपनी के आईपीओ में सब्सक्रिप्शन देखोगे तो QABs के द्वारा 3.39 टाइम का सब्सक्रिप्शन, NIS के द्वारा 21.05 टाइम का सब्सक्रिप्शन, रिटेलर्स के द्वारा 21.26 टाइम का सब्सक्रिप्शन, एम्प्लॉयज के द्वारा 10.51 टाइम का सब्सक्रिप्शन एंड ओवरऑल इस आईपीओ में 11.45 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है। अगली कंपनी आ जाती है GSM Foils। इस कंपनी के आईपीओ में सब्सक्रिप्शन देखोगे NIS के द्वारा 5.28 टाइम का सब्सक्रिप्शन, रिटेलर्स के द्वारा 31.56 टाइम का सब्सक्रिप्शन, ओवरऑल इस आईपीओ में 18.43 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है। अभी सभी आईपीओस के ग्रेमा के प्रीमियम में लिस्टिंग इन की बात करें तो सबसे पहले दो कंपनियां जो आज के दिन शेयर बाजार में लिस्ट हुई है उनका आपको मैं अपडेट दे देता हूं। तो आज के दिन रुल्का इलेक्ट्रिकल्स आईपीओ का यहां पर बहुत ही अच्छा लिस्टिंग मिला। कंपनी के आईपीओ में 174% के आसपास लिस्टिंग इन मिलने की उम्मीद थी पर कंपनी के आईपीओ में 123% के आसपास लिस्टिंग इन मिला, जो भी यहां पर मेरे हिसाब से अच्छा लिस्टिंग इन है। अगला यहां पर से हरिओम आटा, आईपीओ में 2% के आसपास लिस्टिंग इन मिलने की उम्मीद थी, फिर भी यहां पर से इस आईपीओ में 200% का लिस्टिंग इन मिला है, जो भी एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। दोनों आईपीओस में लोगों ने बहुत ही बढ़िया पैसा बनाया। जिनको अलर्ट में मिला उनको आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में आपको अलर्ट में मिला था कि नहीं। बाकी यार अभी सभी आईपीओस के ग्रेमा के प्रीमियम देख लेते हैं जो चल रहे हैं। तो यार ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन से शुरुआत करते हैं। कंपनी का 108 रुपए का ग्रेमा के प्रीमियम चल रहा है, 28% के आसपास लिस्टिंग इन मिल सकता है। GSM Foils 8 रुपए का ग्रेमा के प्रीमियम, 25% के आसपास लिस्टिंग मिल सकता है। अपकमिंग आईपीओ के लिस्ट में 4 आईपीओ अभी के लिए नजर आ रहे हैं, जिसमें विलास ट्रांसकोर 45 रुपीज ग्रेमा के प्रीमियम, 30% के आसपास लिस्टिंग मिल सकता है। बिनकोन ट्रस्टीशिप 40 रुपीज ग्रेमा के प्रीमियम, 66% के आसपास लिस्टिंग मिल सकता है। ZTech इंडिया 30 रुपीज ग्रेमा के प्रीमियम, 27% के आसपास लिस्टिंग मिल सकता है। बाकी एक आईपीओ है जिसका अभी ग्रेमा के प्रीमियम नहीं शो कर रहा है। अभी यार इन सभी आईपीओ में से किन आईपीओ के ऊपर आपकी नजर रहनी चाहिए, तो वैसे देखने जाए तो सभी आईपीओस बहुत ही अच्छे लिस्टिंग इन पर्पस के लिए नजर आ रहे हैं। पर एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यार 2024 का इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है 4 जून को, और 4 जून के आसपास ही, मतलब कोई यहां पर 30-31 तारीख को लिस्ट हो रहा है शेयर बाजार में, कोई 1 जून को लिस्ट हो रहा है, कोई 3 जून को लिस्ट हो रहा है, तो यहां पर रिजल्ट के डेट के बहुत ज्यादा नजदीक कंपनी की शेयर लिस्टिंग हो रही है। उसकी वजह से हो सकता है कि यार रिजल्ट में कोई उतार चढ़ाव आ जाए या उसके रिलेटेड कोई बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आ जाए, कोई यहां पर न्यूज आ जाए, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर के लिस्टिंग गेन पर बहुत ही बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। तो ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो आप लोगों को मैं दो कंपनी का आईपीओ नजर बता देता हूं। मतलब एक तो यहां पर ऑफिस स्पेस का आईपीओ लिस्टिंग गेन पर्पस के लिए, बस का बस लिस्टिंग गेन पर्पस के लिए इस आईपीओ को वॉच लिस्ट में रख सकते हो। बाकी इस आईपीओ को लेकर फाइनल डिसीजन वाला वीडियो आएगा, वो आप लोग जरूर से देखना। और उसी के साथ साथ ये एक यहां पर है विलास ट्रांसकोर करके है, इस आईपीओ को भी नजर में रख के चलना। आईपीओ अच्छा नजर आ रहा है लिस्टिंग इन पर्पस के लिए। बाकी यार ये दो तीन आईपीओ को लेकर मेरे को बहुत ज्यादा खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, लव गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।